So, hey guys, welcome back up to the corner video में एक सेकंड नहीं मैं न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ बट लास्ट वाले में था। खैर आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि अगर आपको याद ना हो तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन ओमेगा रूबी एंड ये है एपिसोड 5 पता नहीं। वेल तो आते हैं अपने मुद्दे पर। तो मैं रात भर यहीं पर सोया था बिकॉज होटल के मालकिन ने मुझे भगा दिया था लात मार के। तो हाँ ये एक स्टूडियो है जहाँ पर न्यूज वगैरह रिकॉर्ड होती है, समझ लो यार। और हाँ मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था परंतु मेरे को एक आइडिया आता है। नहीं तुमने सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, वो वाला आइडिया तो अलग बात है। मगर अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम सीन ये था कि टीम मैग्मा हमसे छूटकर भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं भागना क्योंकि देखो ये आंटी की नींद नहीं टूटनी चाहिए। हेलो आंटी जी, चलो इनसे बात करके बोलते हैं एक सेकंड। अरे यार ये जो बिल्डिंग है ना बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो ये मैप उसी का है। एंड आई डोंट नो कि ये मैप क्यों दिया है क्योंकि हमें पता है कहाँ पर क्या जाना है। वेल अब चलते हैं आगे की ओर क्योंकि जो टीम मैग्मा है ना उन्होंने हमें ऐसे ही बताया था कि हम आपको मिलेंगे आगे, एक सिटी है, अब सिटी का नाम तो मुझे याद नहीं बट हम आगे चलते जाएंगे तो रास्ते में तो मिल ही जाएगा ना। तो वेल पहले हम इनसे बैटल नहीं करेंगे एंड इसके शक्ल देखकर जरूर से लगता है कि ये बैटल ही करने के मूड में है, तो चलो आगे चलते हैं। एंड वेट व्हाट, आगे तो बंद है रे। अच्छा एक सेकंड, हमारे पास तो रॉक स्मैश है ही ना, तो हम काहे नहीं तोड़ रहे हैं, अभी तोड़ेंगे, तुम्हारे सामने तोड़ेंगे। और ये पूछिया ना यार बहुत काम का है, बस इसको विकसित करके माइटी याना बनाना है और बोलो जिंदाबाद, बस इतना सा काम करना है। अपने को मिला हार्ड स्टोन, अब हार्ड स्टोन से पता नहीं किसी को फेंक कर मारेंगे कि यार आ गए लौंडे फिर से आ गए, मैंने तेरे को बताया था कि नहीं आने के लिए फिर भी आ जाते। वेल 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 इसे छोड़ो, आगे देखो न्यूज रिपोर्टर यहाँ भी आ गए, तभी तो मैं सोचूं यार ये लोग स्टूडियो में क्यों नहीं है। छोड़ो, हेलो अंकल जी नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। और क्या हाल चाल है और घर पर सब ठीक ना, मतलब सब ठीक। अरे यार वेट व्हाट, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था कि यार मेरे को पूछियाना को इवॉल्व करके माइटियाना बनाना एंड वो हो रहा है, इतनी खुशी, इतनी खुशी। हाँ अब जो दिया है वो तो एक्सेप्ट करेंगे ना, तो खुशी है तो करना पड़ेगा यार। लौंडे जल्दी से, मेरा सेकंड मर्द वाला पोकेमोन इवॉल्व हो गया माइटियाने में। अरे चल यार इससे ज्यादा क्यूट था तो पहले बचपन में लगता था, अब जवान हो गया, साले ने शादी वादी कर ली और खुखार भी लग रहा है। खैर 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 ऑलराइट, तो ये रूट 11 है जहाँ पर हमें अरे डैम इट यार, मैं जस्ट बोलने वाला था कि मैं हमें लास्ट टाइम बोली थी कि हम मिलेंगे रूट 11 में, मतलब 111 ऐसा कुछ था, तो ये वही चीज़ के बारे में बात कर रही है। एंड ओके रुपेश, योर पोकेमोन लुक प्रेटी टायर्ड। अरे वाह बेट वाह दीदी दीदी, बट बट कोई नहीं बोलेगा, ये ऐसी लड़की है जो हमारी हर मोड़ पर मदद करना चाहती है और हम ऐसे लौंडे हैं कि इसको इसको बहुत बेकार बोलते हैं। वेल ये जिस प्रकार से है उसको उसी प्रकार से बोलेंगे ना। वेल आते हैं मेन मुद्दे पर, तो अभी ये हमें कुछ बोल रही है कि एक प्रोफेसर है जो कि मे बी किडनैप हो गया है, ठीक है, एंड वो हुआ है टीम मैग्मा के थ्रू, तो ऐसे ही सीन ये हमें बोलना चाह रही है। एंड फुलारबोर सिटी ऐसा कुछ एक सिटी है जहाँ पर हमें वापस से जाना पड़ेगा, वापस से नहीं हम वहाँ पर कभी नहीं गए, तो या वहीं पर जाना है अभी फिलहाल, एंड यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है। समझे बारिश वारिश हो रही है क्या, इतनी खूंखार वाले पोकेमोन तेरी की, मैंने तो बोला था आने के लिए, बोला था। Oh my God, क्या पोकेमोन है कलवा। अरे यार तू पोकेमोन कैसे बन गया, अरे तुझे पोकेमोन किसी ने बनाया रे। ऑलराइट गाइस यार, तो अभी अपने को सबसे बचकर जाना पड़ेगा एंड बस कोई आना जाए बीच में। इस अंकल से तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा भाई, मतलब लड़ना छोड़ मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा। ओके हेलो अंकल जी नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। हेलो अंकल जी क्या हालचाल है, बात तो कर लो। ओके दिस इज एरिया इज कवर्ड इन वॉल्केनिक आस्क पिंक, ओए प्लिंक प्लिंक प्लिंक, भाई मैं ब्लैक पिंक पढ़ रहा था पता नहीं क्यों। अरे लड़कियों तुम्हारी फेवरेट ब्लैक पिंक जिंदाबाद। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसके बेटे से कुछ मिल जाएगा है ना। तो हेलो अंकल, हेलो बे चमड़ी। ऑलराइट अभी यहाँ से छोड़ो, निकलते हैं आगे की ओर बिकॉज इस अंधेरी एरिया में। वेट ये एक सेकंड, ये क्या निकला अभी, ये गुब्बारे से कुछ तो निकलता है ना लिटरली, ये मैंने अभी नोटिस किया मैक्स ईथर है, तो अपने को क्या लेन देन उसका, अपन काम ही नहीं करते। खैर 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 रखो इसे एंड बात करते, एक सेकंड बात करूँ क्या। ओके वाह हा 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 बट ऑलराइट, तो हम नहीं बेटा तू आ जा, मैं क्यों किया यहाँ पर यार, मैं ये सोचता हूँ कि नहीं क्या जरूरत थी मेरा स्टिंगू से लड़ने की। आई थिंक कि अभी हम पहुँच चुके हैं इस न्यू विलेज में जो कि पूरा सूखा पड़ा है। एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पर इंद्रदेव की कहर बरसी थी क्या,
सब ओके, यही तो है फ्लोर फॉलवर टाउन, कुछ है पता नहीं। ऑल राइट, हेलो, एक सेकंड, ये हेलो, पहले मैं पोकेमोन हील करवाता हूँ एंड देन इनसे बात करता हूँ। एंड आई थिंक ये मुझे जानती है या फिर नहीं जानती, पता नहीं, शायद से जानती होगी, है ना। खैर नर्स जो है जल्दी से फटाफट से करो। ओके थैंक्स, तू तो चाहती है ना कि हम दोबारा से आए तेरे नर्स जो है, तभी तो तेरा धंधा चलेगा। ओ हेलो, यू आर, मेरे को सब पहचानते हैं, रुपेश। मेरे को यार क्यों, मैंने रखना चाहिए था नाम सपनों का राजा। ऑलराइट, तो ये एक डेवलपर है, व्हाट द हेक। ओके आई एम सॉरी। ओके स्टोरेज सिस्टम, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, रूट 114 में मिलेगी, है ना। मैं सिंपल बोल सकता हूँ रूट 114 में मिलेगी ये, ठीक है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। पर उससे पहले हमारी सोच ये रह गई ना कि हम बात करें ऐसे से नहीं, मतलब वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीऊँगा एंड उसके बाद आगे जाने की सोचूंगा, बट अभी अपने पास इतना काम है ना कि रुका नहीं जाता यार अपने से। ओके अब कौन है? ओ मैं, हेलो जी, क्या हाल चाल है? ओह व्हाट अ डिजास्टर। ओ रुपेश है, मैं पता नहीं क्यों एक्सप्रेशन दे रहा हूँ जैसे मेरे साथ हुआ। वेल गेम को तो ये कहाँ ले जा रही है, अकेले कोने में, भाई क्या इरादा क्या है। ऑलराइट, ओ मॉम, वेट, ये मेरी मॉम तो नहीं लग रहा। ओके व्हाई यू सी, एक सेकंड, प्रोफेसर काजमो। ऑलराइट गाइस, यार अभी का सीन ये है कि ये जो मैडम है, मैडम मेरी माँ नहीं है बल्कि वो प्रोफेसर काजमा की मॉम है, जो कि अभी फ़िलहाल किडनैप हो चुकी है। एंड किडनैप नहीं हुआ है, असल में वो किडनैप होने वाला है, बिकॉज वो एक केव में काम कर रहे हैं। एंड उस केव का सीन ये है कि वहाँ पर एक रेयर सा पत्थर मिला है उनको, ठीक है, रेयर सा पोकेमोन स्टोन कुछ इस प्रकार से मिला, जिनके बदौलत वो कुछ भी तबाही मचा सकते हैं विलन लोग, ठीक है। तो अभी अपने को जाकर उसे मतलब बचाना पड़ेगा, सेम सी बात है। ओके तो यहाँ पर सीन ये दे रखा है, कंडीशन ये है कि हमें जल्दी से जल्दी जाकर उन्हें बचाना पड़ेगा इससे पहले कि टीम मैग्मा उन्हें कुछ हानि पहुंचा दे। ओके ना, तो मैं पता नहीं कितना बकवास कर रहा हूँ। वेल मेरा मूड तो है कि मैं कल जाकर इन्हें इसे निपटूँ, बट आज मेरे को जाना पड़ेगा, तो फटाफट से जाता हूँ। वेट यहाँ पर यार, मेरे को हर जगह ऐसे ही लग रहा है, खराब खराब सा। ओके ना, तो फटाफट से आगे चलकर जाना पड़ेगा अपने को, बिकॉज उससे पहले तो अपने पोकेमोन हील वील है ही, मैं सोच रहा हूँ यार रात में ही काम करे, क्या कहते हो ना। तो चलो फटाफट से चलते हैं। एंड मेरे को नहीं लगता कि इसके आगे भी कुछ डिजास्टर वाली चीज होगी घर में, क्या रे, जाऊँगा नहीं अभी फिलहाल। ओके ओके जाते हैं जाते हैं, ठीक है यार, मेरे को लगा आगे जाएंगे तो माँ की भैंस ओ तेरी। ऑलराइट मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन शायद से वो कोई केव है ना, वो एक सेकंड, मैं उसके आगे जा सकता हूँ क्या, पैसे तो नहीं लेगा ना चमड़ी। हेलो छोड़ो छोड़ो, आगे चलकर देखते हैं, शायद से केव ही है ये, वाह वाह वाह। ऑलराइट, हो तू ये क्या प्रोफेसर काजमा, शक्ल से लग नहीं रहा। ओके आई एम द फॉसिल मैकेनिक। ओके वेल मैं इससे बात करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ आखिर सीन क्या है। तो ऑल राइट गाइस, यार इन्होंने अभी मुझे बताया अगर तुम्हें फॉसिल चाहिए तो सॉरी मैं नहीं दे सकता, एंड अगर तुम इस केव से बिन फॉसिल के नहीं जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, एंड तुम्हें रूट 111 में एक फॉसिल का कुछ पार्ट मिलेगा, मतलब हाँ ऐसा ही सीन है, तो एक राजा पार्ट कैसा कुछ बोल रहा है लौंडा, सैंडस्टॉर्म वाला कुछ सीन है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें कुछ तो मिलेगा जिसके बदौलत हमें मिल सकता है एक फॉसिल। अबे मैं क्या करूँगा यार, मैं थोड़ी कोई आर्कियोलॉजिस्ट हूँ जो इसका काम करूँगा। वेल यहाँ से अपन खिसकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अपना कोई भी काम नहीं है। ऑलराइट गाइस, यार अभी मैं आगे आ चुका हूँ थोड़ा सा बस, एंड यहाँ पर मेरे को दिख तो रहा है दिख तो रहा है कुछ, देखो बगल में एक झोपड़ी है जिसके आर पार तो हम जा नहीं सकते, मगर इसको हम जरूर से तोड़ सकते हैं। अगर नहीं तोड़ सकते तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ से घूम कर भी आ सकते हैं, मगर अगर उस लौंडे ने हमें छेड़ा ना तो हम छेड़ने लायक नहीं बचेंगे, बच गया ना। ऑलराइट गाइस, यार अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ बहुत ही तरीके से, एंड दिस इज द फेवरेट योर मील एंड एड्रेस, वाह 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 वाह। ओके सी डॉट डॉल, व्हाट अ सीक्रेट पीसी, व्हाट डोंट यू, व्हाट पता नहीं मेरे को क्या क्या दे दी, क्या क्या बोल दिया। एक्चुअल में सीन ये था कि मैं इसके बगल बगल में जो अखबारें रखी पड़ी है ना, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। खैर यहाँ से निकलते हैं, इसने मुझे कुछ तो दिया है जिससे मतलब ऐसा कुछ सीन है सीक्रेट पीसी वगैरह में, तो जो कि सिर्फ मेरे को पता होगा। ओके तो अपन आगे की और इसको देखो, साला शकल से ही आरामी लगता है, बैटल करने के पीछे पड़ जाएगा फिर पिटपिट आ जाएगा। ओके रिच बॉय को हमने अभी डिफीट कर दिया है, लड़के नहीं भाग के। ऑलराइट तो अभी अपन आगे जाते हैं इन दोनों जुड़वा बहन ने से, आगे देखो
गाइस यहाँ पर सीन ये, अगर मैं आगे गया तो ये मुझसे लड़ेगा, नहीं गया तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। ये कौन आ रहा है बे, कौन चढ़ने आ रहा है यहाँ पर? ऑलराइट, मैं इसे नहीं पकड़ने वाला। मेरे पास वाटर टाइप पोकेमोन की कमी है एंड साथ फायर टाइप की भी, मगर इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं इसे पकड़ूंगा। दत तेरी तो। यहाँ पर सीन ऐसा है कि अपन आगे तो जा सकते हैं, एक सेकंड रुक भाई, पीछे चल वापस से। पीछे मैंने कुछ तो देखा था। ओके देखो, अभी मेरा पूछियाना काम का बहुत आएगा। रॉक स्मैश जिंदाबाद। एंड लास्ट में पूछियाना नहीं, माइटियाना यार, सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि मेरा मर्द विकसित हो चुका है। ओके लॉन्डो, व्हाट, मेरी फटरती क्यों नहीं है इन सब पोकेमोन से? वाह, मैं सोचता हूँ कभी कभार कि भाई मैं ऐसे ही जनरली कूद कैसे जाता हूँ। अब भागते यहाँ से फटाफट, क्योंकि मुझे पता है जियोड्यूड और वो भी 10 लेवल का मेरे किसी काम का इच नहीं। तभी आगे बढ़ते ही है कि मैं बोल रही है, ओके यू गाइस आर, वेयर आर यू? ए एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ पत्थर वत्थर गिरा क्या? मतलब स्पेस स्टोन ऐसा कुछ सीन होता है ना। ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा सा बड़ा, और ये तो भाई पूरा बड़ा। ऑलराइट, इसके अंदर भी हम जा सकते हैं, बस कोई दूसरा पत्थर ना गिर सके। एंड इसको एक सेकेंड रुको, इसको पहले जाने दो एंड देन हम जाएंगे। रुको रुको, नीचे कुछ तो माल पानी है जिसे हमें छोड़ना नहीं है। ओके मेलॉर्ड मेलॉर्ड मेलॉर्ड, मान लो मान लो मान लो फटक से। ओके एनर्जी पाउडर, व्हाट, ये क्या होता है? कभी यूज करेंगे फिर पता चलेगा। ओके ना, तो अभी अपन को ऊपर चलना पड़ेगा एंड इससे बचकर ए जब जल्दी। ओके मैडम बच गए हम। ऑलराइट, तो अभी अपने को सच से आगे ही आना पड़ेगा इससे बचकर। बच गया ना थारा भाई रुपेंद्र। ऑलराइट यार, अभी गाइस सीन, अरे यार तो बात तो करने दे पूरी तरीके से। हाँ तो मैं कह रहा था, अभी गाइस यार देखो मेरे पास एक आइडिया है। इस गुफा के अंदर अगर हम गए ना तो कुछ भी हो मुझे क्या लेन देन, अपने को जाना पड़ेगा बिकॉज मेरे को बचाना उस मोहतरमा को एंड उसके उसके पति को, मतलब उसके पति को बचाऊंगा तभी तो वो मोहतरमा बचेंगी। एंड साले तुम, अरे यार बिन आंख वाला पोकेमोन आ रहा है भाई, मैं तुझे कैसे पकड़ लूँ जब दिखेगा ही नहीं तू तो। अभी गाइस यार फटाफट जाते ही है कि मैं मिल गई अपने को। ओके गिव इट अप यू बॉजेस, लेट द प्रोफेसर, व्हाट, एक सेकंड, ओहू इसके मेरे को भाई शकल से बहुत हरामी लगता है, सच बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे सामने होगा ना तो। ओ रुपे गाइस, ए वेट, ये लड़की अपने साथ डबल बैटल करेगी, मतलब ये एंड इसके साथ में हम भी बैटल करने वाले हैं, इसका मतलब समझ रहे हो? ये कैसा, अबे तुझे डर वर नहीं लगता क्या, क्यों पिटने आ जाता है? अमो सिंह बोल रहा है, समड़ी बहुत मारूंगा तेरे को, ये चीज देख ले। ओके टीम मैग्मा एडमिन है ये, एक सेकंड, ये है एडमिन, थोड़ा कम खाया कर ले लौंडे, तभी तो एडमिन। ओ पीछे देखो कितनी खूबसूरत मोहतरमा है, लेकिन शकल से हरामी लग रही है फिर भी। ऑलराइट जैसे कोई नहीं बुरा बोलेगा, ये भाभी है तुम्हारी, भाभी है तुम्हारी। तो यहाँ पर सीन ये है ना कि मैं तो कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मैं चाहती है कि हम दोनों मिलकर उन दोनों के अगेंस्ट बैटल करें, एंड ये बैटल होगा भी, ऑफ कोर्स होगा एंड जीतेंगे हम ही। एंड वैसे बता दूं तो ये हमारा पहला टैग बैटल है और जिसमें मैं और मेरेंगे और ये खूबसूरत लड़की और दानव सा लड़का रहेगा। ओके तो लेट्स गो, एंड इन दोनों के पास दो दो पोकेमोन है, और तीन पोकेमोन असल में। ऑलराइट तो स्टार्ट कर। ओ मैं के पास वेलॉर्ड है, वो भी 24 लेवल। अरे मैं सीख यार मुझसे कुछ, लपेट लपूट दूंगा तेरे पोकेमोन्स को। ओखा लौंडा, अभी हम उसके अगेंस्ट कमजोर है थोड़े से बस, ठीक है, अब दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जीत जाएंगे। ऑसम, ये मुझे सबसे बेकार लगता है। और देखो अभी ना बीजिंग फट गया, सॉरी कॉफिंग, ओके ये फट गया एंड ये तो खुद मरेगा साला और साथ में हमें भी लेकर मरेगा। वेल पूछियाना जिंदाबाद, चमड़ी मर्द है वो, देख रहा है वो अभी भी लड़ रहा है सबसे मिलकर। और राइट तो इसे तो मैं एकदम ही मार मूर दूंगा। हाँ बेटा बचेगा नहीं तू। एंड वेट, अगर मेन लॉन्डे ये नहीं है तो ये कौन है बे? अरे यार हक दिया, क्या क्या बकवास लौंडा आ रहा है। देखो ये है टीम एक्वा का मैनेजर है क्या तू चमड़ी? अच्छा यही तो लीडर है यार। चलो इवन टीम एक्वा, साले सब तबाही मचावना, हम ही तो बस है जो ठीक करने आएंगे, नहीं बस हम ही तो दिखते तुम्हें हीरो। ऑलराइट तो अभी ये चुरा रही है, व्हाट, चमड़ी में से खूबसूरत मदर मैं समझा था और ये तो रामन चोर। वेट फेंक दिया क्या प्रोफेसर? व्हाट फेंक, अरे छीन लिया यार, क्या प्रोफेसर तेरे शरीर में जान नहीं रहता है भाई, क्या करता है पूरे दिन। वेल 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 वेल, और लौंडा भी बोल रहा है वेल 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 वेल, आज छोड़ो एम्प्टी चिमनी। ऑलराइट गाइस, इसका मतलब ये है कि ये जो टीम मैग्मा है
ये लोग भाग रहे हैं एंड वो चुरा कर भाग रहे हैं एंड वो पता नहीं कहाँ पर है, मतलब मैंने इसका नाम सुना है एंड लास्ट टाइम भी था वो, जब हम किसी सिटी से आए थे ना तो वो वहीं पर था। बस बात ये थी कि हम वहाँ पर जा नहीं पाए और मेरे पास ऐसे क्या घूर रहा है साले, मारूंगा एक रैप्टर ना पहुँच जाएगा अपने टीम एक्वा में, मेरे सामने चौधरी मत बन ठीक है। हाँ नहीं तो टीम आर्ची है इसका नाम, ओह यार इसको आर्चीव कर दूंगा जेड आर्चीवर से। वेल आई एम द लीडर ऑफ टीम एक्वा अ ग्रुप दैट्स वर्किंग टू रिटर्न द वर्ल्ड। भाई पूरा पढ़ने तो दिया कर, मैं बहुत हरामी हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। ओह गाइस अभी सीन ये है ना कि मेरे को अभी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये कौन है, कौन था और कहाँ से आ गया। वैसे ऐसे लोगों को ध्यान भी नहीं रखना चाहिए कि कौन था कौन गया। वेल देखो ये पूछ रहे प्रोफेसर से कि तुम ठीक हो ना अभी, तो वैसे प्रोफेसर भी बोल रहा है कि अरे एकदम मज्जा में यार, चिल मारो सब। तो अभी यहाँ पर सीन ये है कि अपने को वापस से जाना पड़ेगा वो पोलार बियर सिम में, मतलब मुझे पता है वो पोलार बियर नहीं होता बट भाई वो फोल बार सिटी है ना, तो उसी में अपने को जाना पड़ेगा टाउन में। तो वापस से यहाँ पर जाएंगे एंड उसके बारे में हमारी बातचीत होगी कि आखिर सीन क्या है। वेल मुझे तो पता है इतना कि अपने को वापस से जाना पड़ेगा टीएम चिमनी में, बट इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाला यार, इतना जान लो। वेल यार मैं ये भी सोच रहा हूँ इस गुफा में अकेले क्या कर रहा था ये, एक दो बॉडीगार्ड लेकर चला गया था तो भाई कम से कम हेल्प तो हो जाती ना थोड़ी मोड़ी। ऑल राइट तो अभी जो है इनसे बातचीत चल रही है हमारी एंड वीट। हेलो सरप्राइज हुई मैडम। आह प्रोफेसर वाह एक सेकेंड, प्रोफेसर ने शादी की है? मतलब प्रोफेसर ने शादी की चिल्ड्रन? ओके भाई थैंक्स टू दिस चिल्ड्रन। मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को लगा इनके चाइल्ड वगैरह मतलब इनके बच्चे भी है। वॉट भाई मैं सोच रहा हूँ मेरे कब ऐसे दिन आएंगे। नहीं मैं किडनैप नहीं होऊंगा, बस ही बात है, बस मेरे को चाहिए एक बीवी बच्चा, मतलब साइड हटो। ऑल राइट तो अभी सीन ये है, एक सेकंड, मेरे को इन्होंने बुलाया होएन रीजन से एंड होएन रीजन से मेरे को अपने घर से बुलाया बहुत दूर तक यहाँ एंड मैंने इस प्रोफेसर को बचा दिया, तो मैं इससे पहले हमसे बहुत अच्छी बात कर रही थी एंड अब का सीन यह है कि मैं हमें ये बोल रही है कि अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब मैंने हमें यूज किया? ओह भाई इससे पहले तक मेरे को ये बात पता क्यों नहीं चली कि इस प्रोफेसर को बचाने के लिए मैं हमें यूज कर रही थी एंड अभी मेरे को ये बात पता चली कि मैं हमें अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती, मैं कुछ भी टाइप कर दूं तो ये कहेगी कि ओह सॉरी यार तुम अकेले जाना चाहते हो तो भाग जा साले, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। पता नहीं यार मैं तू ऐसी निकलेगी मुझे पता नहीं था, मैं तेरे को अगले एपिसोड में देखता हूँ। वेल गाइस आज का मेरा इरादा यही है कि मैं यहीं पर अपना झंडा गाड़ू एंड यहीं पर मैं सो जाऊँ, यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अभी मैं रात में जाकर एक मारता हूँ ना किंग फिशर। असल में मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं बड़ा शरीफ लड़का हूँ इन सब के मामले में। वेल अभी मैं रात में जाऊँगा एंड गाना बजाऊँगा शीशे का था दिल मेरा। वेल भाई बहुत दुख दिया तूने, मैं जा रहा हूँ नर्स के पास, मैं जा रहा हूँ नर्स। वेल तो आज रात में यहीं पर रुकने वाला हूँ, बाद में कैसा लगा ये एपिसोड फटाफट से कमेंट बताओ, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, फेवरेट विलन कौन सा था, विलन का भी नाम लिख डालो यार क्या सोच रहे हो एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल पर रैंडम हो तो फटाफट से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए एंड साथ ही वीडियो को लाइक कर देना यार, क्या कर रहे हो अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया, तो बाय बाय टेक केयर। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए।